बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम विलेज लाइफ विद मुदसर अमीर के तमाम नाजरीन को अस्सलाम असलम नाजरन कराम इस वीडियो में हम आपको अगले जो दो दिन हैं उनकी मौसमी सूरत हाल के मतलब जो है वो आगाह करेंगे आज यानी ग्यारह मार्च को मौसम कुछ इस तरह है कि फैसलाबाद ननकाना शेखुपुरा गिरदो नवा में जो है और लाहौर में इसमें शामिल है वो बादल रहेंगे कोई हल्की जो है वो बूंदाबांदी जो है वो मुमकिन है बाकी ये है कि कोई ठंडिक जो बारिश वाली बात है वो नहीं है बाकी जो ग्यारह मार्च वाला बादर है उसका जो ज़्यादा ज़ोर है वो बलूचिस्तान तक ही रहेगा कल बारह मार्च को मौसम जो है वो ज़्यादातर क्लियर है तेरह तारीख को बलूचिस्तान साइड से एक बड़ा जो बादल है वो दाखिल होगा हमारे जो आबपाशी वाले इलाके हैं उस तरफ बाकी बावलपुर रहीम यार खान की तरफ जो है वो भी बादल मौजूद हैं लेकिन जनूबी पंजाब का जो अक्सर इलाका है उसमें जो है बारिश नहीं होगी कुछ दिनों से जो चय मगोयाँ हो रही थी कि सक्कर साइड से लेकर जो है पिशावर तक बारिश होगी और बहुत ज़्यादा बारिश होगी जिसे वाइट स्प्रेड बारिश भी कह रहे थे तो इसका बताऊं कि ये तेरह मार्च वाली जो बारिश है ये वस्ती पंजाब थल का एरिया और पुठवार रीजन जो है और हमारा राइस जोन के जो तमाम अजला हैं उनमें बारिश जो है वो बरसेगी ये ये है कि कहीं कम और कहीं ज़्यादा बारिश होगी ये बारिश मियाँ वाली जो का जो इलाका है उसमें जो है वो खूब बरसेगी बाकी ये बारिश फैसलाबाद चनी ननकाना साहब में भी होगी पिशावर समेत के पी के, के अक्सर इलाकों में बारिश मौजूद है बाकी नूरपुर थल में भी अच्छी बारिश है बाकी ये है कि ये सारा जोर जो है वो वस्ती पंजाब और शुमाल की तरफ जा रहा है तो लाहौर में जो बारिश मौजूद है लेकिन वो कम दर्जे की बारिश है बाकी अगर बर्फबारी की बात करें तो गिल गिलगत -गिल -गिल बलिस्तान और कश्मीर की तरफ जो बर्फबारी का स्पैल है वो काफ़ी बड़ा है काफ़ी बर्फ़ पड़ेगी इसकी वजह से जो ख़ते का मौसम है वो बेहतर होगा ठंडा होगा और मौसम में जो है वो बेहतरी आएगी यहाँ पे दरअसल जो नज़र आ रही है बात उसमें ये है कि बर्फबारी जो है वो ज़्यादा मकदार में होगी और बारिश जो है वो कम यानी थोड़े देर देर के लिए ही जो है वो बारिश होगी बाकी बर्फबारी की वजह से खत्े का जो मौसम है वो बेहतर होगा और बेहतर दर्जा हरारत जो है होने की वजह से गंदम पर इसके बहुत ही जो हैं वो मुसबत असर पड़ने वाले हैं बाकी रहा कि इन दिनों में काश्तकार जो हैं वो गंदम को पानी लगाएं या ना लगाएं तो मेरा मशवरा है कि गंदम का पानी ना ही लगाएं इन दिनों में तो ज़्यादा बेहतर है बाकी इसके अलावा जो चुलिस्तान साइड है चुलिस्तान साइड वाले काश्तकार जो हैं वो पानी लगा सकते हैं क्योंकि उस तरफ जो है वो सुकून ही नज़र आ रहा है तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी दुआ में याद रखिए अल्लाह हाफिज़